हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये अकियारा सीविंग मशीन है, अकियारा हैंडी स्टिच मशीन। ये बहुत ही बेहतरीन मशीन है। आज हम देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, इसके बॉक्स में क्या क्या है। तो इसके साथ में आपको दो बॉबिन मिलती है, एक एक्स्ट्रा नीडल, एक स्पिंडल जिसमें आप अपना बड़ा धागा लगा सकते हैं, और एक नीडल थ्रेडर जिसकी मदद से आप सुई में धागा पिरो सकते हैं। ये मशीन बहुत ही कॉम्पैक्ट होने के कारण आप इसे घर में किसी भी तरह के कपड़ों पर आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। डेनिम हो, सिल्क हो, या घर का कोई कॉटन का कपड़ा हो, कुछ भी छोटी मोटी स्टिचेस करनी है, कुछ कपड़े फट गए हों, उसे आप आसानी से काफ़ी कम समय में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मशीन बाकी मार्केट की मशीनों के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि उनमें दो धागे होते हैं। एक होता है बॉबिन जो नीचे की तरफ होता है, पर इस मशीन में बॉबिन नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल थ्रेड पे चलता है। तो आइए देखिए इसे कैसे ऑपरेट किया जाए। इसमें दो तरीके के इलेक्ट्रिक सप्लाईज है, एक इलेक्ट्रिक अडैप्टर है और एक बैटरी कंपार्टमेंट है, जहाँ पर 4 AA बैटरीज का यूज़ किया जा सकता है। तो हैंडी सीविंग मशीन में बैटरीज डालना एक काफ़ी ध्यान देके डालना होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से डायरेक्शंस में कन्फ्यूजन है। पर अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ पर मतलब ये मशीन बैटरी पे यूज करने के लिए तैयार हो गई है। जिसे आप सिंगल थ्रेड से आप ये कपड़ा सी सकते हैं। और दूसरा, ये इसके साथ में एक अडैप्टर भी आता है, तो अगर आपको ये बैटरी पे नहीं यूज़ करना है तो आप इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सप्लाईज के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे ये अडैप्टर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये अडैप्टर का पॉइंट है। तो आइए देखते हैं ये कपड़े पे सिलाई किस तरह से देता है। मेरे पास एक ये 4 फोल्ड वाला कपड़ा है, इस पर हम सिलाई करके देखेंगे। सिलाई करने के लिए पहले आपको ये लीवर ऊपर लेना है, ताकि नीडल अपने पोजीशन से ऊपर आ जाए। ये व्हील की मदद से आप ये लीवर को नीचे या ऊपर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये दोनों तरह से घूमता है। नीडल ऊपर होने के बाद इसे आप ऊपर कर दीजिए और कपड़े को बाहर निकाल लीजिए। ये 4 फोल्ड का कपड़ा, इसे लीवर ऊपर कीजिए, सुई के बीच में से कपड़े को रखिए। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 फोल्ड वाले कपड़े पे भी ये सिलाई काफी अच्छी दे रहा है, आगे और पीछे। अगर टाके काफी नजदीक है तो आप ये टेंशन यहाँ पे कम कर सकते हैं, ताकि टाके थोड़े बड़े आए। तो आपने देखा यहाँ पे टाके अभी थोड़े बड़े आ गए हैं। टेंशन आप कम ज्यादा कर इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। कपड़ा निकालने के लिए ये लीवर ऊपर कर लीजिए। तो इस तरह से आप ये सिलाई मशीन को 4 फोल्ड, 2 फोल्ड वाले कपड़े पे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ये निकाल दीजिए, और इसमें एक स्प्रिंग दिया गया है, उसमें आप बॉबिन रखिए और इसे यहाँ पे फिट कर दीजिए। ये होने के बाद में आप इस धागे को इस लूप में से डालिए अंदर, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, और ये टेंशन प्लेट के बीच में से आपको धागा डालना है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में ऊपर दिए गए हैं ये सुई में से आपको थ्रेडर की मदद से धागे को आगे की ओर खींचना है। इसमें छोटा सा लूप बना लीजिए।
इस तरह से धागा सुई में पीछे से आगे की ओर। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 धागे को पीछे से आगे की ओर लेना है। इस तरह से हमने हमारी हैंड स्टिच मशीन की थ्रेडिंग कर दी है। तो ये मशीन देख जैसे आपने देखी काफ़ी पोर्टेबल है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है। आप कहीं पर भी पिकनिक पर जा रहे हैं या बच्चों के क्राफ्ट पर्पज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। घर में कुछ छोटी मोटी सिलाई करनी है, कुछ कपड़े फट गए हों, तो उसके लिए आप ये मशीन आराम से यूज़ कर सकते हैं।